हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से पहले कई बार मैंने आप लोगों के लिए आपकी रेलवे की यात्रा किस तरह सेफ़ रहे उसके ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं एंड आगे ही बनाता रहूँगा। बट आज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको जो है शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, अपने दोस्तों के इसको जरूर से शेयर करना एंड आपकी नेक्स्ट यात्रा में ही इम्प्लीमेंट जरूर से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस टाइप की और लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए। दोस्तों देखिए, जब हम कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अपना जो आपका बोर्डिंग स्टेशन होता है जहाँ से आपको चढ़ना है, वहाँ से अगर आपको कभी एक दो स्टेशन आगे भी चढ़ना पड़े तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम जो है बड़े आराम से जो है चढ़ जाते हैं एंड इसके ऊपर हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इंडियन रेलवे का अपना एक रूल है कि भाई अगर आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है जहाँ से आपने टिकट कटाई है अपने ट्रेन में चढ़ने की, अगर आप उसके दो स्टेशन आगे भी जा करके चढ़ते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो TT है ट्रेन का, वो आपको दो स्टेशन के लिए, अगले वाले दो स्टेशन के लिए एक ग्रेस जो है प्रदान करेगा, एक आपको मोहलत जो है ज़रूर से देगा। ऐसा दोस्तों इसलिए हो पाता था क्योंकि पहले के टाइम में या थोड़े टाइम पीछे तक में ही जो आपके TT साहब थे वो आपकी टिकट्स को पेपर वाले चार्ट के ऊपर चेक करते थे। पहले पेपर वाले चार्ट पे उस पूरी ट्रेन की जो है बोर्डिंग को चेक करते थे, जितना भी हिस्सा उनके अंदर है, फिर वो किसी बड़े स्टेशन में चार्ट एक्सचेंज होते थे, फिर आपकी जो बोर्डिंग है वैकेंसी उसको जो है अपडेट वगैरह करा जाता था। बट अब ये चीज़ जो है थोड़ी पुरानी होती जा रही है। उसके जो TT वगैरह है उनके हाथ में अब होते हैं HHT। ये होते हैं आपके दोस्तों हैंड एंड टर्मिनल्स, एक iPad या टैबलेट जैसे कुछ जो है दिखने में होते हैं। एंड TT आजकल जो है ये लेकर भी घूमता है, इनको पूरा चार्ट जो है लेकर भी घूमना नहीं होता। आपने भी कई बार नोटिस करा होगा TT साहब एक फ़ोन में एक टैब सा जो है लेकर के आते हैं, आप सबका नाम पूछते हैं, टिक लगाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो HHT होता है, यानी कि हैंड एंड टर्मिनल जो होता है, जो फ़ोन और टैबलेट वगैरह जो लेकर घूमते हैं, इससे आपकी जो बोर्डिंग और वैकेंसी है वो रियल टाइम अपडेट होती है। जैसे ही आप चढ़े खटाक से अपडेट। तो मैंने खुद ये चीज़ एक TT से कन्फर्म करी थी कि मान लीजिए आपका बोर्डिंग स्टेशन नई दिल्ली, आप वहाँ से चढ़े ही नहीं है, उनको उन्होंने देखा आप नहीं हो वहाँ पर, तो वो वेट नहीं करेंगे आपको, सीधा आपको अनबोर्ड जो है कि बोर्ड नहीं कराया बंदे ने, और वो आपको मार्क आउट कर देंगे और ये चीज़ हाथ के जो है सिस्टम पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जो आप चार्ट वैकेंसी चेक करते हैं वहाँ पे जा करके आप देखेंगे तो उस ट्रेन में सीट अवेलेबल दिखा देगा, और अगर आप अगले किसी ट्रेन से चढ़ते हैं तो आप हो जाओगे विदाउट टिकट। तो देखो कितनी बड़ी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेसिक सा ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा स्टेशन जो है चेंज हो सकता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ट्रेन नई दिल्ली से चलती है और आपका स्टेशन मान लो फरीदाबाद हो गया है तो वो भी अपडेट करना पड़ेगा तुमको। मान लो आपने CST से कोई ट्रेन की टिकट कटाई है, ठीक है, वहाँ से ना चढ़ करके आप दादर या थाने से या कल्याण से चढ़ने वाले हो, तो उसको भी जो आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल सा है। IRCTC की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, अपने माई ट्रांजैक्शन के अंदर जाना है, अपना टिकट ओपन कर लेना है जो भी आपने टिकट बुक कराया है वो, और वहाँ पर जाके अपना बोर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करके चेंज कर देना, ठीक है, इतना सा काम कर लेना। और ये करने से आपको कभी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली। जो आपने बोर्डिंग पॉइंट चेंज करा, मस्त उस पर जा करके चढ़िए, दो स्टेशन, तीन स्टेशन, चार स्टेशन, पांच स्टेशन, डजंट मैटर एट ऑल। पहले ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी रेलवे के अंदर कि आप ज़्यादा आगे तक बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज नहीं कर सकते। अब रेलवे कहती है मस्त बिंदास करो। अगर आपने मान लो CST से किसी ट्रेन में टिकट बुक कराई और आप उससे कन्याकुमारी जा रहे हो, कन्याकुमारी से एक स्टेशन पहले आता है नागरकोइल, आपने अपनी टिकट जो है CST से बुक कराई है, आप अपना बोर्डिंग पॉइंट नागरकोइल तक चेंज कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा दे दिया, बात खत्म। तो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जरूरी रहने वाला है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।